जिले रामबन के करोल जसवाल पुल के नजदीक से इतवार की शाम को तिरैचिराम में मुबैना तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाले शख्स की तलाश पीर को भी जारी रही। पुलिस जराये के मुताबिक रविंदर सिंह वल्दी मरहूम मोहिंदर सिंह जनूबी जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखते थे। अगरचे हादसे के फौरन बाद से ही रामबन पुलिस SDRF सिविल QRT लाश की तलाश में जाए हादसे के नजदीक चिनाब के किनारों पर लगी है, लेकिन तकरीबन 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, तहम लाश अभी भी दरिया चिनाब से बरामद न हो पाई है। वहीं रावकीन ने रामबन पुलिस SDRF और इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि लाश को बरामद करने में उनकी भरपूर मदद करें। आप देख रहे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए शान की खसूसी रिपोर्ट। बारे में इंफॉर्मेशन कल शाम को कोई 5:30 पे आई, PCR के थ्रू में इंफॉर्मेशन आई, जिसमें हम फिर इमीडिएटली हमारी SDRF टीम, सिविल QRT और पुलिस, हम तीनों टीम्स जो थी वहाँ पे जाके हमने सर्च शुरू की। करोल ब्रिज से सर्च स्टार्ट की और हमने आगे झूला ब्रिज तक कल शाम को सर्च की। फिर आफ्टर डार्क आवर्स में हम वापस आ गए। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमने सर्च फिर से स्टार्ट कर दी करोल ब्रिज से, दोबारा से करोल ब्रिज से सर्च स्टार्ट की और हमारी सर्च सेरी तक हुई। सेरी से होते हुए फिर दोबारा अभी हमने सोचा कि ये कौ बाग जो एरिया है यहाँ पे भी कुछ है, जहाँ पे जो वाटर है वो एक जगह पे रोटेट करता है, तो वहाँ पे अभी हमारी सर्च जारी है। जब तक सनसेट नहीं होता तब तक अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सर्च करना वैसे ही बहुत टफ होता है और इस टाइम तो पानी बहुत ठंडा है और पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और इसके रिगार्डिंग मेरी CO साहब से बात हुई, हमारे जो जम्मू में CO साहब बैठते हैं उनसे बात हुई, तो उनके बिहाफ पे मैंने आगे रियासी SDRF रियासी और अखनूर को लिख दिया हुआ है कि आप भी वहाँ पे विजिलेंट रहें। एमली के लोग भी थे, वो सुबह से हमारे साथ ही थे, तो वो भी सर्च कर रहे थे हमारे साथ ही, तो अभी चल ही रही है सर्च। कोई रविंदर सिंह, सन ऑफ लेट मोहिंदर सिंह, ये जम्मू से आए थे और करोल ब्रिज पर अपनी व्हीकल खड़ी करके इन्होंने जंप किया है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।